दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि थ्रीडल एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं और इस एप्लीकेशन से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज करके कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप टिकटॉक चलाते हो, टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाते हो, टिकटॉक पर वीडियो में एडिटिंग करते हो, तो आप लोगों को इस थ्रीडल एप्लीकेशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में वो आप लोगों को हाई क्वालिटी के जो है आप लोगों के इफेक्ट मिलते हैं जो आप लोगों को DSLR में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन से वीडियो को एडिटिंग करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो DSLR के जो इफेक्ट होते हैं कलर वाले, वो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लर वाले इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो DSLR में आप लोगों को कलर वाले इफेक्ट मिलते हैं तो वो इस एप्लीकेशन जो थ्रीडल्ट में मिल जाएंगे। तो और दोस्तों, थ्रीडल्ट एप्लीकेशन से आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल वीडियो और हाई लेवल की वीडियो बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थ्रीडल्ट एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से इसमें वीडियो का बैकग्राउंड एक जो है कलरफुल करते हैं और किस तरीके से चेंज करते हैं। इस थ्रीडल्ट एप्लीकेशन में जितने भी फीचर हैं उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में कंफर्म करवाने वाला हूं और कैसे यूज करनी है सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारी थ्रीडल्ट एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को कुछ परमिशन यहाँ पे देने के लिए आ जाए, तो आप लोगों को बस भेज दीजिएगा कि परमिशन दे देनी होगी। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इधर साइड में देख सकते हैं जो ओपन गैलरी टास्क शॉर्ट, यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो कैमरा होता है वो चालू हो जाएगा और आप अपने कैमरे से वीडियो को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग गैलरी से कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो इस पर आप लोग जो है क्लिक करके यहाँ से आप गैलरी से कोई भी वीडियो को यहाँ पर ले सकते हो। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के जो इस तरीके से ये आ जाएंगे, तो थ्री लाइन पर क्लिक कर देना, वीडियो पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ, तो आप लोगों को भी कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ये रियाज की जो वीडियो है तो मैं ये वाली वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वीडियो को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो इसका मैंने साउंड ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को बेसिक का और एक मिलता है आप लोगों को लट का। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक पे मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे साइड में एक ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस और TINT। तो इस तरीके से ये ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं ब्राइटनेस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ब्राइटनेस को यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। देख सकते हो ऊपर करेंगे तो ये बढ़ जाएगी और नीचे करेंगे ये तो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। कॉन्ट्रेस्ट करते हैं तो यहाँ से आप लोग कॉन्ट्रेस्ट इसका बढ़ा सकते हो। देख सकते हो ये बिल्कुल कॉन्ट्रेस्ट कम हो गया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं बढ़ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब इसकी जो कॉन्ट्रेस्ट चमक होती है वो यहाँ पर आप लोग वीडियो में बढ़ा सकते हो। इसमें कम करते हैं तो ये कम हो जाती है और बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वाइट बैलेंस, यहाँ पे वाइट बैलेंस आप लोग इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है TINT, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें जो आप लोग कलर हैं वो इस तरीके के सो जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टटरेज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट मिलती है। तो यहाँ नीचे लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो कुछ इस तरीके से वाइट हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो ये एकदम कलरफुल हो जाएगा, नीचे लेके आएंगे तो ये बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बीच में रखता हूँ उसे। इसके बाद ब्लैक, ब्लैक पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये वीडियो ब्लैक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं तो हमारी वीडियो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। ऊपर लेके जाएंगे तो ये मतलब ज़्यादा इसमें जो है चमक हो जाएगी और नीचे लेके जाएंगे तो इस तरीके से ये जो बेसिक होते हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर हैं वो बेसिक में वो आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद लट, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फीचर हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो नेट है इंटरनेट उसे ऑन ही करना होगा तभी ये फीचर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे मुझे सबसे कमाल के यहाँ पे जो इफेक्ट लगते हैं कलर वाले वो है टॉप 25। अब यहाँ पे देखिए इसका कमाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से लोडिंग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए क्योंकि ये नेट से कनेक्ट होके चलता है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जादू। तो देख सकते हैं यहाँ पे
ये देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया है, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, और ये देख सकते हैं ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये गुलाबी कलर का हो जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं कलर ठीक है। तो इस तरीके से जो आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं कोई दूसरी अदर वीडियो यहाँ से लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कोई अदर वीडियो ले कर, तो यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ फिलहाल, ये ऐसी नॉर्मल वीडियो है। और यहाँ पर देख सकते हैं लड में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसे मैं बैक कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 25, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये देख सकते हैं इफेक्ट ठीक है। तो ये देख सकते हैं कमाल कमाल एकदम इफेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ये देख सकते हैं गुलाबी हो चुका है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर का, और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही ग्रीन हो चुका है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं तो कलर वाले, उन्हें आप यूज करके आप अपने वीडियो को एकदम यूनिक और कमाल की कलरफुल वीडियो बना सकते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो कैसा भी रहता है तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन से बनाएंगे तो आप लोगों का वीडियो एकदम कलरफुल वीडियो बन जाएगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर और भी यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा जो ऑप्शन मिलते हैं, तो बस ध्यान देना नेट को ऑन ही रखना होगा आप लोगों को ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मिलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर, तो ये देख सकते हैं कलर यहाँ पर बहुत सारे कलर यहाँ पर मिलेंगे तो आप लोगों को, तो उन्हें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक होता हूँ इससे एक बार, बैक होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे बैक होता हूँ, यहाँ पे मैं बैक हो गया हूँ, और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग, तो ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से बेसिक बेसिक मिल जाते हैं, तो उन्हें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सकते हैं ये इस तरीके से रहेगा, और ये कलर इस तरीके से रहेगा, और ये इस तरीके से रहेगा ठीक है। वीडियो में आप लोगों को मतलब एकदम इस एप्लीकेशन में मतलब कमाल के जादू देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ही रेड हो चुका है, तो इन्हें आप यूज कर सकते हैं ठीक है। तो ये कमाल के इसमें कुछ इफेक्ट कलर वाले, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है जो भी बेसिक बेसिक हैं और जो भी खास थे मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे खास यहाँ पर जो है टॉप 25 ये वाले इफेक्ट सबसे खास हैं, और बाकी के कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये टॉप 25 हैं वो बहुत ही खास हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, ये एक बेसिक और लट ये वाले इफेक्ट हैं जहाँ से आप अपनी वीडियो में कलर डाल सकते हैं ठीक है। तो बस ये एप्लीकेशन बनाई गई है सिर्फ वीडियो में कलर डालने के लिए ही बनाई गई है, और यहाँ पर आप लोग जो है स्लोमो फास्टमो वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं, आप लोगों को सिर्फ इस एप्लीकेशन में कलर वगैरह जो है आप ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में ठीक है। इसके बाद इसको राइट क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ से शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, और गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए, और ये 100% हो जाएगा और ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्री डल्ट एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, थ्री डल्ट एप्लीकेशन पसंद आई और वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। और गाइज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी ट्रेंड वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो का ट्यूटोरियल बना दूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो है टिकटॉक का एडिटिंग का ट्यूटोरियल और जो भी एप्लीकेशन होती है उनका रिव्यू यहाँ पे करता रहता हूँ और ट्यूटोरियल सिखाता रहता हूँ। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।